हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बात पते की। मैं हूँ दीपा और आज हम बात करने वाले हैं कि सोकिंग ऑफ नट्स या जितने भी लेग्यूम्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। यानी कि हमें इन सभी दालों को या जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनको खाने से पहले अच्छे से भिगोना क्यों होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप कोई दाल या ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, ब्लोटिंग होती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की भी कमी हो जाती है। चाहे आप कितना भी हेल्दी फूड क्यों ना लें लेकिन आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही, तभी आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टेप्स डिस्कस करेंगे जिससे जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसे आप ओवरकम कर पाएँ और आखिर इसका रीज़न क्या होता है, जिससे आपको बहुत ही क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमें इस प्रॉब्लम से किस तरह से बाहर आना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कोई भी फूड को खाने से पहले, कुक करने से पहले एक प्रोसेस से लेके जाते थे, जैसे कि प्रॉपर सोकिंग हो गया, फर्मेंटेशन हो गया या स्प्राउटिंग हो गया। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा साइंटिफिक रीज़न रहा है। हर किसी सीड के अंदर कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फाइटिक एसिड। अब ये फाइटिक एसिड है क्या आखिर? ये हर किसी सीड के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है। सीड के जो छिलका होता है, सीड कोट होती है, उसके अंदर ये फाइटिक एसिड नेचुरली प्रेजेंट होता है, जो कि सीड की प्रोटेक्शन होता है। यानी कि वो इंसेक्ट्स या किसी भी एंड से उसे रिपेल, उसे बचाता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब भी ये सीड जो है किसी भी मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आता है या पानी के कॉन्टैक्ट में आता है तो क्या होता है, जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है सीड का। तो ये जो फाइटिक एसिड होता है उस सीड कोट में, छिलके में, वो अपने आप रिलीज़ हो जाता है उस पानी में। ये फाइटिक एसिड क्या होता है? ये होता है इनोसिटोल हेक्साफोस्फेट। तो ये जो फोस्फेट रिलीज़ होता है जो पानी में, ये उस सीड के लिए ज़रूरी होता है उसे एज अ प्लांट की ग्रोथ करवाने में। लेकिन जब ये फाइटिक एसिड हमारी बॉडी में जाता है तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी मिनरल्स होते हैं, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, इन सबको एब्जॉर्ब नहीं होने देता, क्योंकि ये फाइटिक एसिड इन सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी में जो है जाने नहीं देता। तो इससे हमारे अंदर इन सभी मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और ओवर टाइम अगर हम लंबे समय तक इसी तरह से कंजम्पशन करते रहे अलोंग विद फाइटिक एसिड इन सभी सीड्स को, तो हमारे अंदर इवन अच्छा न्यूट्रिशन लेने के बावजूद भी डेफिशिएंसी हो जाती है। और ना सिर्फ फाइटिक एसिड, और भी बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि टैनिंस, लैक्टिंस, प्रोटीएज इनहिबिटर, और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जो हमारी बॉडी में जाके डेफिशिएंसी क्रिएट करते हैं, माल न्यूट्रिशन करते हैं। जैसे कि प्रोटीएज इनहिबिटर मैंने आपको बताया, ये हमारी बॉडी के अंदर जब जाता है तो ये हमारी बॉडी में प्रोटीन को डाइजेस्ट ही नहीं होने देता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स होते हैं उसे इनहिबिट करता है, जिससे हमारी बॉडी में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जो कि खास तौर पर लोगों में देखी गई है कि दालें या कुछ भी ऐसे नट्स जब हम खाते हैं गलत तरीके से तो वो हमारी बॉडी में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम कॉज करती है या ब्लोटिंग या गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम किया जाए। इसके काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है सोकिंग। किसी भी सीड्स को या ग्रेन्स को या नट्स को, दालों को अगर हम रात भर भिगो दें तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी एंटी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फाइटिक एसिड, लैक्टिंस, टैनिंस होते हैं, ये सारे घुल के पानी में आ जाते हैं। तो अगले दिन सुबह क्या करना है, उस सारे पानी को हमें फेंक देना है और उसके अंदर जो है नया फ्रेश पानी भरना है और उसके बाद उसे हमें जो है फर्दर प्रोसेसिंग करनी है। तो इससे क्या होता है, जितने भी इसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं सारे निकल गए, लगभग 80% जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में निकल जाते हैं। तो इसके बाद भी अगर कुछ बचता है परसेंटेज तो वो भी हम फर्दर जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम फर्दर स्प्राउटिंग कर सकते हैं। तो कई बार जो होती है जैसे कि मोट हो गया या ग्रीन ग्रैम्स होते हैं, इसे हमें रात भर भिगोने के बाद अगर हम फर्दर इसकी स्प्राउटिंग करते हैं तो उसमें से फर्दर थोड़े बहुत और एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी जो है पानी में निकल आते हैं। 2-3 दिन जब हम स्प्राउटिंग करते हैं तो क्या करना है कि हर दिन जो है हमें 3-4 बार इसे पानी से निकालते रहना है, तो उससे भी जो है फर्दर ड्रेन ऑफ हो जाता है इनका, एंटी न्यूट्रिएंट्स का। सोकिंग में एक टाइमिंग फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई दालें या नट्स या लेग्यूम्स को पानी में सो करते हैं तो ये ज़रूरी चीज़ देखने की है कि वो नट या लेग्यूम कितना हार्ड है। जितना ज़्यादा वो हार्ड होगा उसका सोक करने का टाइम उतना ही बढ़ जाएगा। जैसे कि किडनी बीन या राजमा होता है, उसे सोक करने का टाइम एटलीस्ट जो है वो 6-8 आवर्स होना चाहिए।
या फिर जो जैसे कोई दाल होती है जिसको बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो उसे भिगोने का टाइम जो है 2 घंटे या 4 घंटे हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो नट या लेग्यूम कितना ज़्यादा हार्ड है। और हम दूसरा मेथड ये भी कर सकते हैं कि जो भी हम लेग्यूम ले रहे हैं उसे हम ल्यूक वॉर्म वाटर में रखें, उससे भी जो प्रोसेसिंग होती है जितनी भी फाइटिक एसिड या एंटी न्यूट्रिएंट्स निकलने की, वो भी एनहांस हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो ल्यूक वॉर्म वाटर में भी सोक करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, टाइम सेविंग भी होता है और साथ साथ इफ़ेक्टिव भी होता है। अब सोकिंग और स्प्राउटिंग के बाद तीसरी चीज़ होती है फर्मेंटेशन। अब जैसे इडली हो गया या डोसा बैटर हो गया या वड़ा बैटर हो गया, इन सब को जो है कुक करने से पहले एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जिसके अंदर सबसे पहले सोकिंग होता है और उसके बाद उसे फर्मेंट किया जाता है। तो इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये होती है कि इसमें फर्दर जितने भी एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं। तो जब भी आपने ये नोटिस भी किया होगा कि कोई भी फर्मेंटेड चीज़ होती है तो वो हमारी बॉडी बहुत ही इजीली उसे डाइजेस्ट कर पाती है, हमारी बॉडी पे लाइट रहता है, वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। और चौथी चीज़ है बॉयलिंग। बॉयलिंग से भी काफ़ी हद तक जो है एंटी न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होते हैं, एक्सेप्ट फाइटिक एसिड जो काफ़ी हद तक सोकिंग से ही जाते हैं यानी भिगोने से ही जाते हैं। बाकी जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि टैनिन्स हो गया या लेक्टिन्स हो गया या प्रोटीज इनहिबिटर, ये काफ़ी हद तक बॉयलिंग से भी ख़त्म होते हैं। ये जो 4 स्टेप्स हैं ये बहुत ही सिंपल ईजी स्टेप्स हैं, अगर इसे प्रॉपर वे में किया जाए तो काफ़ी हद तक हम अपनी बॉडी में जितने भी दालें होती है या नट्स होते हैं उसकी इनडाइजेशन को हम रोक सकते हैं, उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट करवा सकते हैं अपनी बॉडी में। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है जो हम सब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केटिंग इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री ने हमें इतना ओवरटेक कर लिया है, एडवर्टाइजिंग ने हमारे माइंड को इतना ज़्यादा वॉश कर दिया है कि जितने भी सीरियल्स आ रहे हैं या क्रैकर्स या नट बार्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आइटम्स आते हैं जैसे कि पीनट के स्नैक्स आते हैं और भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स आते हैं जो कि प्रोसेस्ड होते हैं और हमारी बॉडी को कंटिन्यूसली हार्म किए जा रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि अगर हम इन प्रोसेस्ड फूड को रेगुलरली खा रहे हैं या फ्रिक्वेंटली इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि इवन अगर हम घर का खाना भी खा रहे हैं और ऊपर से हमने प्रोसेस्ड फूड ले लिया तो वो प्रोसेस फूड में जितने भी एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं ये जो है हमारे बाकी अच्छे खाने के अंदर जो मिनरल्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे भी एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। तो उससे हमारी बॉडी को जो है लॉन्ग टर्म में काफ़ी नुकसान हो सकता है, जिसका जो काफ़ी हम नतीजे इसके देख भी रहे हैं कि अच्छा न्यूट्रिशन लेने के बावजूद हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही है, माल न्यूट्रिशन हो रहा है। तो काफ़ी हद तक हम अगर इन चीज़ों को हटाएं और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अगर हम अपने खाने को प्रोसेस करके उसे लें तो काफ़ी हद तक हम अपनी डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी बॉडी के अंदर वेल न्यूट्रिशन लेके आ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। और जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ साथ बेल बटन ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले जितने भी मेरी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, बाय बाय।